इज्जत से सड़क तक, गांव की गली कूचे से हर शहर तक, दंगे होते नहीं दंगे कराए जाते हैं। सत्ता के बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए, इसलिए हम रखते हैं हर हलचल पर नजर। कुर्सी पर बैठने वालों को बताते हैं जमीन की अहमियत, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, क्योंकि हम हैं इंडिया तेजस्वी खबर। आप देख रहे हैं इंडिया तेजस्वी खबर, न डरते हैं न डराते हैं, सच सामने लाते हैं। सरपंच पति पर अभद्रता और गाली गलौज की शिकायत लेकर आदिवासी महिलाओं ने थाने में की कार्यवाही की मांग। शनिवार ग्राम बड़गांव पिपलोद की महिलाएं व ग्रामीण बड़ी संख्या में पिपलोद थाना पहुंचकर सरपंच पति पर आरोप लगाकर उसके विरुद्ध थाने में आवेदन दिया। ग्राम महिला की चंपा बाई रुनिया ने बताया कि सरपंच पति जितेंद्र पटेल से हमने मोहल्ले में पर्याप्त गंदगी को दूर करने को कहा था तो उल्टा हमें धमकाने लग गया और अभद्रता करते हुए गालियां भी दी, जिसके चलते ग्रामीण सहित सभी महिलाएं थाने आई। यदि यहां से कार्यवाही नहीं होती तो जिला अधीक्षक महोदय के यहां शिकायत की जाएगी। ग्राम के लोभीलाल मुकेश अरविंद ने बताया कि समस्या बताने पर ग्राम के युवाओं की थाने में शिकायत कर हमें सरपंच पति द्वारा धमकाया भी जा रहा है। वहीं इस संबंध में सरपंच पति जितेंद्र पटेल ने बताया कि दो दिन पूर्व इनकी समस्या जानने गए थे तो इन्होंने गाली गलौज की थी, जिसकी शिकायत पिपलोंद में की गई है, उसके चलते यह मुझ पर आरोप लग रहे हैं। हमने गली का बोला कि गली बनवा दो। कौन से गांव के आप? कौन से गांव? बड़गांव पिपलोंद जो एडा अडला के पास है। तो गली का बोला तो सब ये पक्की गली बना दो, फिर नाम बत पक्की गली बना दो। तो उसने बोला कि मेरा लड्डू खा लोगे कहीं की। क्या नाम है सरपंच का? जीतू पूरा नाम जीतन पटेल। उसने ये बोला, तुमने बोला कि तू लंकार क्यों बोल रहा है, गाली गुप्ता क्यों कर रहा है? गाली गुप्ता क्यों कर रहा है? सही बोल रहे हो, महिलाओं से गाली गुप्ता किया है क्या? आदमी से किया है महिलाओं से? काम हमको तो होना हमारे बाद, उसके बाद ये भाई इसके बाद लड़के बोल रहा है तुमने कहीं जा मैं करवाने का नहीं, मैंने करने का कहीं तुम्हारे क्या बने हुए हैं ले लेना, मेरा लड़का खा लेना कहीं। आपने पंचायत में आवेदन दिया था? नहीं आने का पंचायत में आवेदन दिया था, पंचायत में बोल दिया वो तो लकड़ी उठाते नहीं बच्चे, वो बच्चे ने कब बोल दिया कि भाई उनको ऐसा क्यों बोल रहा है ये अच्छा महिलाओं से गाली गुप्ता इसलिए आया हम, सरपंच ने हमारे रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, आवाज उठाने के कारण कर दी। हम इसके लिए सब आए, जब बोला कि भाई आज ये ऐसा बोल रहे तो फिर बाद में क्या करें, क्या करें? काहे के लिए बनाया है? गांव का सरपंच होकर गांव की महिलाओं को गाली दे रहा है। सादिक खान की रिपोर्ट।